Via MoDG is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special privileged strategic partnership with Russia. The status of MoDG, makes me hopeful that in case of his strong voice putin at least should think over रूस के हमले के बीच यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है भारत में यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है इंडिया को तो उन्होंने फेवर कर दे दी है इंडिया को तो उन्होंने जनाब फेवर दे दी है इंडिया को उन्होंने कहा है ठीक है जी आप एस फोर लें आपको पता है इंडिया जो इस वक्त गेम कर रहा है वो तो बड़ी कामयाब गेम है खान के साथ ज्यादती की गई है यह बड़ी ज्यादती है कि आप एक वजीर आजम को अपने मुल्क दावत दें पुरतपाक इस्तेमाल करें साथ ही आप जंग छेड़ दें आज रूस ने ज्यों ही यूक्रेन पर हमला किया उसी समय नई दिल्ली स्थित यूक्रेन के राजदूत ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाया कि रूस के साथ भारत के संबंधों को देखते हुए भारत इसमें बीच बचाव करे हालांकि यूक्रेन ने भी दावा किया है कि वह रूस के पांच लड़ाकू जहाजों को मार गिराया है आश्चर्यजनक रूप से इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस में ही मौजूद हैं और उनकी उपस्थिति में यह हमला उनके लिए भी एक शर्मंदगी का बाबत बन गया है इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परचर्चा आइए आगे सुने कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और ये तीन जगह से यानी कि रशियन टेरिटरी से और बेलारस और क्रेमिया से इन्होंने हमला किया है और पाकिस्तानी वजीर इमरान खान साहब जो हैं वो वो मॉस्को में बैठे हुए हैं क्या तुक बनता था मॉस्को जाने आपको इंडिया तो नहीं है इंडिया को तो उन्होंने फेवर कर दे दी है इंडिया को तो उन्होंने जनाब फेवर दे दी है इंडिया को उन्होंने कहा है ठीक है जी आप एस फोर हंड्रेड लें आपको पता है इंडिया जो इस वक्त तो गेम कर रहा है वो तो बड़ी कामयाब गेम है उन्होंने क्या किया उनकी तीन सौ अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है वेस्ट में दस अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है ईरान इंडिया में रूस में और वो कह रहे हैं कि जी हम एस फोर हंड्रेड भी लेंगे वो इंडो पैसिफिक में बेनिफिशरी भी हैं वो क्वाड के मेंबर भी हैं वो क्वाड टू में भी जा रहे हैं वो तो एक बड़ी डिप्लोमेसी कर रहे और आपको तो पता है आपको तो यूरोप ने भी नहीं बुलाया इस दफा रूस और यूक्रेन के दरमियान फुल फ्लैज शुरू हो चुकी है ये जंग बहुत जल्द तीसरी आलमी जंग की सूरत भी अख्तियार कर सकती है इससे भी खतरनाक जो बात है पाकिस्तान के लिए कि जब ये फुल फ्लैज वार शुरू हो चुकी है रूसी तैयारे तबाह हो चुकी है यूक्रेनी तबाह हो रहे हैं बेसिस तबाह हो चुकी हैं 50 से पचास जायद रूसी फौजी इस जंग के अंदर अभी तक मारे जा चुके हैं तो मेरे ख्याल से विलादिमिर प्यूटन की जानब से पाकिस्तान के साथ खास तौर पे इमरान खान के साथ ज्यादती की गई है यह बड़ी ज्यादती है कि आप एक वजीर आजम को अपने मुल्क दावत दें पुरतपाक इस्तेकबाल करें साथ ही आप जंग छेड़ दें यानी इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान जो है वो दुनिया की नजर में खटकेगा और बहुत सारे जो मुमालिक हैं, उनसे पाकिस्तान मुफ्त में टक्कर ले लेगा ये वक्त की जो सिलेक्शन की गई है पाकिस्तानी वजीर के दौरे की दौरे की आप सिलेक्शन को छोड़ दें आज के दिन को टाला जा सकता था रूस ने अगर जंग शुरू करनी थी क्योंकि रूस ने पहले हमला किया है रूस यह हमला कल भी कर सकता था लिहाजा इसके पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक नतयज होंगे अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया तो अमेरिका ये कह रहा है कि हम वजीर आजम इमरान खान के दौरे से आगाह हैं हमें मालूम मिल रही हैं और हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि यह गलती मत करें इस वक्त आप हर गिज रशिया का दौरा मत करें यानी अमेरिका इस दौरे से सख्त नाराज है और ये याहू न्यूज की खबर और पूरी दुनिया उनके ऊपर सेंक्शन लगा रही है रशियन बैंक के ऊपर जो कि मिलिट्री के हवाले से है ना आप इस वक्त उनके साथ स कोऑपरेशन कर सकते हैं ईरान के साथ हमारी सेंशन लगी हुई थी हम एक गैस डील ले सके ईरान से अमेरिका ने उनके ऊपर लगाए हैं हमारे के उपर, हमारे बॉर्डर बॉर्डर के के ऊपर ऊपर है है ईरान और और हमें गैस की जरूरत हम कतर से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें एल एन जी चाहिए हमारी जो फैक्ट्री बंद पड़ी है हमारे घर बंद पड़े हुए हैं चूल्हा बंद है ना कारोबार हो पा रहा है ना बिजनेस हो पा रहा है हम ईरान से पूरी और हमने वो जो हमने पाइपलाइन बिछाई हुई थी ईरान के साथ मुहिदा किया हुआ था ईरान ने वो पाइपलाइन पाकिस्तान के बॉर्डर पर लेके आया हमने उस पाइपलाइन को आगे लेके जाना था हमारे ऊपर पेनल्टीज पड़ गई बड़े कितने मिलियन ऑफ डॉलर्स हमें ईरान को देने पड़ गए बाद में तरले चल्ले करके आई थिंक हमने वो अपनी जान छोड़ा ली और इमरान खान साहब जो है वो रशिया जाकर बैठ गए मतलब आपको अगर प्रेसिडेंट बाइडन कॉल नहीं करते तो आ, आ, जो है वो आपकी इसका मतलब हम रशिया चले मुझे ये बताएं यूके हो यूरोप हो सारे के सारा यूरोप जो है वो यूरोपियन यूनियन ने जो आ, उनकी स्टेट डुमा है रशिया की उसके सारे मेंबरान के ऊपर सेंक्शन लगा दिए वो ट्रैवल नहीं कर सकते उनके ऊपर पर्सनल सेंक्शन लगा दी हैं, यूके ने सेंशन लगा दी हैं, अमेरिकन ने सेंक्शन लगा दी हैं, जिस मुल्क के ऊपर इतनी सेंक्शन है आप क्या बायलैटरल तालुकात उनके साथ इंप्रूव करेंगे मुझे बताए ना मेरा ख्याल है ये जो विजिट है इसने हमें बड़ा परेशान किया है हम ना तो वेस्ट के साथ हैं ना हम ईस्ट के साथ हैं ना चीन के साथ है हम किसी के साथ भी नहीं है वो हमारे दोस्त हैं साजिद तारड़ साहब वो अक्सर कहते हैं हम डॉलर के साथ हैं तो ये जो क्वेश्चन है ना कि ये फिर वो देख रहे हैं डॉलर कहाँ से आने हैं लेकिन रशिया जिस तरह जंग में फंसा हुआ है हमारे लिए तो डॉलर भी नहीं आने ना हम डिफेंस इक्विपमेंट उनसे ले सकते हैं और ये मैं इसको देखें ना इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ना जनरल बाजवा गए हैं इस विजिट में सो ये एक बड़ा पैनिक विजिट है और इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ जिस चीज को कैश कराएंगे और वो यह है कि इमरान खान साहब को अब सजा मिलेगी अगर वेस्ट ने इमरान खान साहब को अमेरिका ने या बाकी किसी मुल्क ने पाकिस्तान के ऊपर कोई टफ लाइन ली तो याद रखिएगा इसका इमरान खान बहुत ज्यादा सियासी फायदा उठाएंगे वो कहेंगे देखो ये था एक पाकिस्तानी वजीर आजम जिसने अमेरिका को नो की जो चीन और रूस के साथ जाना चाह रहा है और देखो सारी दुनिया इसके खिलाफ हो गई और इमरान खान अकेला डट के खड़ा हो गया और पायन मरवाया जी नास नो यहा न्यूज की खबर ये जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानव से ऐलान किया गया है यूक्रेन के कैफ सेनी वेपन कैफ यह कहता है कि वो जवान जो वेपन उठा सकता है जो बंदूक उठा सकता है और बंदूक चला सकता है कैन ज्वाइन टेरिटोरियल डिफेंस फोर्सेस। अपनी जमीन का दिफा करने के लिए वो फौज ज्वाइन करे। यह वजीर दिफा की जानब से ऐलान किया गया है कि हर वो यूक्रेन का नौजवान जो बंदूक पकड़ सकता है बंदूक चला सकता है वो आज घरों से बाहर निकले और वो रूस के खिलाफ लड़े और अपने मुल्क का दिफा करें यानी नौबत यहां तक आ चुकी है और आप तक इंडियन मीडिया और तकरीबन ये खबर आप हर जगह पे पढ़ सकते हैं आपको मिल जाएगी कि यूक्रेन ये दावा करता है कि हमने पा पचास रूस के फौजी मार दिए हैं और इससे पहले यूक्रेन ने यह दावा किया है जनाब कि हमने पांच फौजी जहाज रूस के एक हेलीकॉप्टर रूस का और अभी एक और दावा यूक्रेन की जानब से सामने आया है कि एक और फौजी जहाज हमने रूस का तबाह कर दिया तो मजमुई तौर पर छह जंगी जहाज और एक हेलीकॉप्टर यूक्रेन की जानब से और 50 रूस के फौजी मार दिए गए हैं उड़ा दिए गए हैं अच्छा जी ये जियो न्यूज इसको तीसरी जंग अजीम के तौर पे ले रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी ये है कि वर्ल्ड वार थ्री कि ये तीसरी आलमी जंग की शक्त अख्तियार कर लेगी और यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया रूसी वजारत दिफा ने इसकी इसकी तस्दीक कर दी है रूस इस समय यूक्रेन के मामले को लेकर अमेरिका और अमेरिका के नेटो सहयोगी देशों के निशाने पर है आप लोगों को पता ही होगा कि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है और नेटो एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों ने बना कर रखा है कि अगर कोई भी देश रूस या कोई अन्य देश इन देशों के खिलाफ अगर कोई आक्रमण करता है या कार्रवाई करता है तो सभी नेटो के देश मिलकर उस देश के खिलाफ लड़ेंगे और अभी आपने अफगानिस्तान में देखा भी होगा कि तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने जब अपने फ़ौजों को वहाँ उतारा तो सारे नेटो के देश अमेरिका के साथ वहाँ गए थे और मिलकर तालिबानियों के खिलाफ कार्रवाई किए थे अब यूक्रेन चूँकि नेटो के देशों में शामिल होना चाहता है लेकिन रशिया ऐसा नहीं चाहता है और इसका कारण क्या है इसको जानने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा आप लोगों को पता ही होगा कि उन्नीस के पहले सोवियत संघ था और सोवियत संघ के साथ अमेरिका भी एक सुपर पावर था यानी उस समय दो सुपर पावर पूरी दुनिया में थे सोवियत संघ का उन्नीस में बंटवारा हुआ और पंद्रह देशों में सोवियत संघ बट गया उन पंद्रह देशों में आज का रूस और यूक्रेन भी है रूस नहीं चाहता है कि वह यूक्रेन उसके पाले से निकलकर अमेरिका के कैंप में जाकर खड़ा हो जाए और इसीलिए रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बना हुआ है जब रूस और अमेरिका दोनों उन्नीस के पहले सुपर पावर थे तो दुनिया दो कैंपों में बटे हुई थी भारत उस समय गुट निरपेक्ष था यानी न तो वह रूस की ओर ज़्यादा झुका हुआ था न ही अमेरिका की ओर लेकिन तकनीकी रूप से भारत रूस की ओर ज़्यादा झुका हुआ था क्योंकि रूस से भारत के रक्षा के जरूरतों का सामान मिलते रहता था और उन्नीस में रूस ने तो भारत को खुलेआम मदद देकर पाकिस्तान को दो टुकड़े में कर दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ जबकि अमेरिका उस समय पाकिस्तान को मदद दे रहा था खैर उस स्थिति के बाद आज की जो स्थिति है वह उसमें परिवर्तन हुआ है सोवियत संघ भी टूटकर अब सुपर पावर नहीं रह गया है पंद्रह देशों में बट गया है उसमें रूस सबसे महत्वपूर्ण देश आज बना हुआ है लेकिन भारत और चीन के बीच भी तनाव बढ़ गया है अब चीन का दुश्मन अमेरिका आज है और भारत भी चीन का दुश्मन है इसलिए दुश्मन के दुश्मन दोस्त भारत और अमेरिका आज ज़्यादा नज़दीक आए हैं और भारत और अमेरिका ज़्यादा नज़दीक आए हैं उधर अमेरिका की दुश्मनी रूस से और अमेरिका की दुश्मनी चीन से इसलिए चीन और अमेरिका भी साथ आए हैं और इसीलिए यूक्रेन के मामले पर मदद चीन की लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति अभी विंटर ओलंपिक के भाग लेने के बहाने चीन में गए भी थे अब रूस को यह लगता है कि उसका पुराना दोस्त भारत चीन और रूस के बीच बढ़ती नजदीकों के कारण कुछ गलत न निर्णय ले ले या कुछ गलत उसका मतलब ना निकालें इसलिए रूस ने यह भारत को आश्वासन दिया है कि अगर भारत का चीन के साथ कभी तनाव खड़ा होता है तो रूस भारत का ही हिमाती बना रहेगा हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि चीन को यह समझ में आ गया है कि वह भारत से लड़कर पार नहीं पा सकता और दूसरे रूस को यह निर्णय न लेना पड़े कि वह भारत के साथ खड़ा होगा या चीन के साथ इस दुविधा से बचने के लिए रूस अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन के संबंधों को सामान्य किया जा सके कुछ भी हो अभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं इस बीच रूस का यह आश्वासन भारत के लिए एक बड़ा सहयोगी देने वाला और आश्वस्त करने वाला घोषणा है जय हिंद आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय